हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हिस्ट्री। टुडेज टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड इन स्टार्टिंग द चैप्टर मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म, एनी फीलिंग्स फॉर द नेशन, ओन नेशन, फीलिंग फॉर द ओन नेशन। कहते ना कि देशभक्ति की यानी जो फीलिंग्स होती हैं वो अपनी कंट्री के लिए हैं, चाहे वो अपने घर के लिए हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा नेशनलिज्म कहलाता है। और फ्रेंड्स, इंपीरियलिज्म, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे कि किसी के जैसे पड़ोसी होते हैं, एक दो आपस में पड़ोसी होते हैं, ये पड़ोसी वो पड़ोसी, तो दो पड़ोसी हो गए, अब दोनों के अपने अपने बच्चे हैं, दोनों कहें कि मुझे मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगता है, वो भी कहे और होना भी चाहिए, ये क्या हो गया कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसे हम कहते हैं कि हमारा देश भारत बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है, तो इंडिया वाले इंडिया को बहुत अच्छा बताएंगे, चाइना वाले चाइना को बहुत अच्छा बताएंगे, तो क्या हुआ, ये नेशनलिज्म हो गया, फीलिंग्स हो गई। और वहीं पर ये पड़ोसी कहने लगे, जैसे पड़ोसी कह रहा है कि एक पड़ोसी कह रहा है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, दूसरा कह रहा है मेरा बहुत बच्चा बहुत अच्छा है, वहीं पर यही पड़ोसी कहने लगे कि नहीं, हमारा बच्चा सबसे अच्छा है और हमारे बच्चे के अंदर सब कुछ पावर्स हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये इंपीरियलिज्म कहलाता है। और जैसे कोई भी कंट्री पावरफुल है और वो कहते हैं कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, और वो दूसरी छोटी छोटी वीकर कंट्री पे, स्मॉल कंट्रीज होती हैं, उनको कैप्चर करने लगे, उनको अपने कब्जे में लेने लगे, ये क्या कहलाता है, इंपीरियलिज्म। और ये इंपीरियलिज्म किसने किया था, ये इंपीरियलिज्म ब्रिटेन ने किया था, जैसे इंडिया को किया, साउथ अफ्रीका को किया, और बहुत सारी जो कंट्री थी उन कंट्रीज को क्या किया, उसको अपने अंडर में उसने लिया, तो ये क्या कहलाता है, ये इंपीरियलिज्म होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स से जैसे अब उसके बाद आता है द एरिया ऑफ बाल्कन्स, एरिया ऑफ बाल्कन्स स्टूडेंट्स जो आता है उस एरिया में क्या है कि द बाल्कन एरिया नोन एज या द बाल्कन्स वर अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन मॉडर्न डे, यानी जो वेरिएशन है एथनिक्स, मतलब स्मॉल स्मॉल कंट्रीज थी जो सब अलग अलग थे छोटे हुए, जैसे एक मेडिटेरियन सी था, जैसे मान लीजिए यूरोप के पास एक मेडिटेरियन था और उसके पास ये ऐसे कंट्रीज थी, उसके पास ये ऐसे कंट्रीज थी स्टूडेंट्स, ये कंट्रीज जो ये जो कंट्रीज थी ये सब बाल्कन्स एरिया कहलाती थी, मेडिटेरेनियन के जो आसपास कंट्री थी यही कंट्री यूरोप में, तो यही कंट्री क्या कहलाती थी, बाल्कन्स कहलाती थी। अब डियर स्टूडेंट्स, की रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सब क्या थे, और नोन एज स्लैब्स। अब ये स्लैब्स यही सब क्या कहला, ये सब स्लैब्स कहलाए जाते थे, ये सब जो थे वो स्लैब्स कहलाए जाते थे। अब स्टूडेंट्स ये स्लैब्स कहलाए जाते थे, तो अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स कंट्रोल बाय ऑटोमन एम्पायर, यानी जो बाल्कन्स का लार्ज एरिया था, ज्यादातर एरिया था वो किस पे था, ऑटोमन एम्पायर को कंट्रोल करता था, अंडर में था उसके, यहीं पर टर्की था, वही टर्की का एक ऑटोमन एम्पायर था, वही टर्की जो था एक ऑटोमन एम्पायर था, उसको ऑटोमन एम्पायर करते थे। तो हियर स्टूडेंट्स कि जो ऑटोमन एम्पायर था, लार्ज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर था, तो कहता कि ऑल द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, अब क्या बनाया उसने, बहुत एक्सप्लोसिव बना दिया, और बट वेरी यानी मॉडर्नाइजेशन किया उसको, एंड वन बाय वन ऑल यूरोपियन कंट्रीज थी कि यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलाइज ब्रोक अवे फ्रॉम अ कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और ये जो कंट्रीज थी धीरे यूरोप में अपने आप को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रही थी, ये कंट्रीज क्या कर रही थी, अपने आप को क्या कर रही थी, मतलब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रही थी, जो पॉलिटिकल राइट्स मांग रही थी, अपने आप को इंडिपेंडेंस मांग रही थी, जो क्लेम्स था कि बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स
फॉर देयर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो मांग रहे थे ये। तो जो रिविलियंस थे, नेशनलिस्ट थे जो बाल्कन्स, थॉट द स्ट्रगल ऑफ बंदा यानी स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, और अपने क्या करने लगे ये अपनी इंडिपेंडेंस को ये मांगने लगे स्टूडेंट। अब जो बाल्कन एरिया बिकेम इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, अब जो बाल्कन एरिया था वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। बाल्कन स्टेट्स वर फोर्सिबली जीलियस ऑफ ईच अदर, और ये जो यानी इन पे जो कॉन्फ्लिक्ट था इनका कि जो बाल्कन स्टेट थे अब एक दूसरे से जीलियस करने लगे, जैसे ये स्मॉल स्मॉल ग्रुप थे लेकिन अब क्या थे ये अपने आपस को अपना अपना एरिया, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट राष्ट्र नेशन हो गए थे, ये हर कंट्री एक इंडिपेंडेंस हो गए थे, सारे जो थे ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए थे। तो ये क्या कर रहे थे अब अपने आप को अपना एरिया बढ़ा, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को कैप्चर करने के लिए, तो क्या करना चाहिए मतलब यही जो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट था एक दूसरे को पावर में लेके आते, मतलब अपने आप को पावर में लेके आ रहे थे बाल्कन्स। तो अब इसमें क्या था कि जो अपने आप को पावर में ला रहे थे तो जो मैटर्स जो वर थे जो मैटर्स थे वो बिकेम द बाल्कन्स बिकेम द सोर्स ऑफ पावर, यानी सोर्स ऑफ जैसे पावर पावरफुल कंट्री जब यहाँ पर एंट्री हो गई, यहाँ पर पावरफुल कंट्री जैसे ऑस्ट्रिया रसिया जर्मनी ये सब क्या हो गए ये इनकी इसमें एंट्री हो गई। यहाँ पर जब जो फाइट स्टार्ट हो गई स्ट्रगल स्टार्ट हो रही थी इन कंट्रीज में, तो यहाँ पर इन कंट्रीज ने भी यहाँ पर क्या कर दिया अपने आप को स्ट्रगल कर यानी इसमें इंक्लूड कर लिया, और ये पार्ट जो पावरफुल कंट्री थी यहाँ की, और यहीं से क्या हुआ फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया, क्या हुआ यहाँ पर जो जर्मनी ये सब आए और ये क्या कहता है इनका होल्ड द अदर पावर अपनी जो पावर थी वो कैश करना चाह रहे थे यहाँ पर, और जिससे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया। यह रीजन क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है 1914 कब हुआ था स्टार्ट 1914। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स की एंटी इंपीरियलिज्म। अब एंटी इंपीरियलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने अभी आई टोल्ड फ्यू मिनट्स बिफोर मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म, यानी जैसे मैंने बताया था कि इंपीरियलिज्म जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया। अब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत मैक्सिमम जो कंट्रीज थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश कर रही थी, जो स्लेव थी जो दूसरे के अंडर में जो कॉलोनी बनी हुई थी, ऐसे इंडिया भी था। तो इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत तेजी से जो इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी, तो लोग इस इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि इस इंपीरियलिज्म ने बहुत सारी कंट्री को जैसे ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत सारी कंट्री को अपने उनको डोमिनेट किया था, तो उनके डोमिनेट के बचने के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंस करा रही थी और अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही थी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।